welcome you all to my channel. I am Prerna and my channel's name is Super Beauty Desires. So friends, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. यस गाइज, जैसे कि आपको तो पता ही है कि इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग जो है घर पर ही है, ना ही सलॉन्स खुले हैं, ना ही पार्लर्स खुले हैं, तो घर पर ही हमें अपनी पूरी बॉडी की सेल्फ टेक केयर करनी पड़ रही है ना. आप लोग भी आई नो यही सब कर रहे होंगे, तो मैं भी घर पर यही कर रही हूँ. वेदर इट इज माई यू नो फेशियल हो गया, या फिर कुछ भी स्किन केयर हो गया, या फिर आईब्रोज हो गए. अभी आप देख सकते हो आईब्रोज के तो मेरे कितने ज्यादा हेयर ग्रो कर चुके हैं, बट सलॉन्स और पार्लर्स बंद होने की वजह से ये अभी इसी कंडीशन में रहने वाले हैं. मैं एक दो ट्रिक ढूंढने वाली हूँ इसको ट्रिम करने के लिए. अगर मुझे जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी. तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बॉडी हेयर रिमूवल के बारे में. और हमें जो है डेफिनेटली जरूरी हो जाता है हैंड्स के और लेग्स के हेयर को रिमूव करना, है ना. मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज हैंड्स के तो इसीलिए बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइज. एंड लेग्स के हेयर रिमूव करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी समर्स हैं, इतनी गर्मी है, तो वी हैव टू वियर द शॉर्ट क्लोथ्स इन आवर होम. लेकिन क्या हो रहा था, काफी दिनों से जब मैं हेयर रिमूव कर रही थी घर पर ही अपने, तो मैं देखती थी कि हेयर रिमूव करने के बाद में कुछ इचिंग, रेडनेस और यू नो एक रैशेस टाइप के मुझे लगने लगे मेरी बॉडी पे, हैंड्स पे. कभी कभी रेजर यूज करने के बाद में इचिनेस या फिर बम्प्स वगैरह आ जा रहे हैं, या फिर लेग्स में आ जा रहे हैं. और मैं अपनी फ्रेंड से भी बात करती हूँ ना, तो वो भी मुझे यही सब आके बोलती हैं कि यस, अब जब भी हम घर पर अपने हेयर रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद में इचिनेस, रेडनेस आ ही जा रही है. तो ये चीजें जो है मैंने अभी घर पर ही नोटिस करी हैं. जब भी मैं पार्लर्स और सैलून्स में जाती हूँ ना अपने बॉडी के हेयर रिमूव करवाने, वहां से मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलती है. बिकॉज ऑफ कोर्स दे यूज देयर सो मेनी ट्रिक्स एंड हैक्स टू यू नो काम दिस रेडनेस, काम दिस इचिनेस एंड टू यू नो क्योर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. लेकिन क्या हो रहा है, घर में ये सारी चीजें हम लोग को फेस करनी ही पड़ रही है. सो नाउ आई फाउंड दिस थिंग गाइस. सो दिस इज अ न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन. आप देख सकते हैं उसकी पैकेजिंग कितनी ही ज्यादा क्लासी है, वंडरफुल कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है. तो ये प्रोडक्ट अब मैं यूज करने लगी हूँ. एंड यू नो गाइज, अब मैं हेयर रिमूवल करने के बाद में ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर रही हूँ अपने हैंड्स पे और लेग्स पे, और मेरे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना ही रेडनेस है, ना ही इचिंग है, और ना ही जो इनग्रोन की प्रॉब्लम होती है वो है. तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसके बारे में आपको, इच एंड एवरीथिंग बताती हूँ. तो ये है एक कार्डबोर्ड का पैकेजिंग जिसमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको. और ये प्रोडक्ट क्या है, लेट मी शो यू. तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो उसकी बॉटल कितनी ज्यादा क्लासी है गाइज. आई जस्ट लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन. तो ये यहां से ओपन कर लो आप कैप, और यहाँ पे डिस्पेंसर दिया हुआ है, और इससे जो है अपना ये इसमें लोशन दिया हुआ है, आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन है ये. और जब भी आप हेयर रिमूव करो ना उस पे ये अप्लाई कर लो. लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी. तो इसकी इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो. तो चलिए आपको इसको मैं लगाकर भी दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको लगाना है. मान लो आपने हेयर हैंड्स के जो है रिमूव करे हैं, तो आप अपने पूरे हैंड्स पे इस तरीके से अप्लाई. ओके, आप अच्छे से अप्लाई करो, फिर धीरे धीरे हाथों से मसाज कर लो. तो देखना आपकी जो रेडनेस है, एचीनेस है, या फिर और भी कुछ इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी. अगर लेग्स की हेयर रिमूव करें तो लेग्स पर भी आराम से आप अप्लाई कर सकते हो. सो गाइज, इस आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन को लगाने के बाद में ना आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है. तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है. फिर आप अपनी बॉडी को यू नो बहुत ही अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हो, वेदर इट बी योर लेग्स और योर हैंड्स. तो आपको इसको अप्लाई करना है इसी तरीके से जैसे आप बॉडी लोशन अप्लाई करते हो ना, उसी तरीके से अप्लाई करना है. तो ये जो है ना गाइज, ये आपका पीएच बैलेंस भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके चलता है. तो इसीलिए मुझे काफी ज्यादा पसंद है. आप देख सकते हो इसकी पूरी ओवरऑल पैकेजिंग, इस पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. जैसे कि दिस इज न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, एंड दिस इज अ पैराबेंस फ्री प्रोडक्ट, ओवर हेयर इट इज रिटन. और ये जो है आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है. दिस इज मेड ऑफ 100% नेचुरल एक्ट इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि विटामिन ई है, जोहोबा ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, और एलोवेरा जेल है. सो गाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर यूजिंग दिस न्यूड हेयर रिमूवल लोशन. अगर आपको भी ये परचेज करना है तो मैंने जो है इसके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप बिल्कुल चेकआउट कर लो. तो चलिए गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर करना इस वीडियो को. मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना. मैं मिलूंगी ऐसे ही किसी और प्यारे से वीडियो के साथ में. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. Bye bye, see ya. Take care guys, love you all, bye.